welcome back to my channel and welcome to another video. I am Stuti and today we are going to do a makeover of this room right here. मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ इस room का makeover करने के लिए but हो ही नहीं पा रहा था, time ही नहीं मिल पा रहा था but finally today we are going to do a makeover. And ये वाला wall जो आप देख रहे हो इसको मैंने बहुत I think एक साल पहले मैंने makeover किया था. काफी अलग दिखता था, अभी सिर्फ frames रह गए हैं. तो if you haven't watched that transformation, wall transformation, do give it a watch. I'll link it down below for you guys. And also we are going to go in a order. पहले मैं दिखाती हूँ अभी मेरा current room कैसा दिख रहा है. The first step of this makeover is deep cleaning. तो पहले मैं उसे complete कर लेती हूँ. So from this angle my room looks something like this. वो वाला चीज भी मैंने makeover किया था बहुत साल, like 2 साल पहले. आप उसका video भी check out कर सकते हो. And इस side में मेरा bed है and यहाँ पे 2 walls है basically. मेरे room का ये वाला side बहुत ही ज़्यादा messy है and हमेशा messy ही रहता है. And इसीलिए मैं vlog में ज़्यादा इसको include भी नहीं करती हूँ. ये पूरा part आपने बहुत rare देखा होगा मेरे videos में. पहले मैं यहाँ से शुरू करूँगी because यही सबसे ज़्यादा tedious काम है. एंड बाकी सब तो ऐसे क्लीन ही रहता है मेरा रूम, बट ये सबसे ज्यादा मेसी ये वाला कॉर्नर है. सो या लेट मी फर्स्ट क्लीन दिस वन. डर्ट, ओह माय गॉड, अभी तक तो मैंने आधा कंप्लीट करा है. एंड लुक एट द हालत ऑफ दिस कपड़ा, वाइट था पूरा, ये वाइट था. इसको 2 बार मैं धो चुकी हूँ एंड इसके बाद ये हालत है. सो आई एम नॉट गोइंग टू बोर यू एनी फर्दर. आई एम जस्ट गोना क्लीन इट बाय माय सेल्फ एंड आई विल मीट यू गाइस टुमारो, बिकॉज आज मेरे में हालत नहीं बची है. 2-3 घंटे से मैं सिर्फ इसको पोछा लगा रही हूँ, लाइक कोलियन से साफ कर रही हूँ ये कबर्ड्स एंड मिरर भी मैंने साफ कर लिया. आई विल मीट यू गाइज आफ्टर आई एम डन विद ऑल द क्लीनिंग वर्क. एंड मैं कल पेंट करते वक्त मिलूंगी आपसे. सो बाय. ऑल राइट गाइज, इट इज द नेक्स्ट डे एंड आज मैं करने वाली हूँ पेंटिंग का काम, बिकॉज ये वाला जो मेरा वॉल है ना, जो मेरे सामने वॉल है वो पर्पल कलर का है. तो मुझे एंड काफी गंदा भी हो गया है. जब ये घर बना था तब ये पेंटिंग हुआ था लास्ट एंड मैंने ये पेंट किया था. उसके बाद ये मैंने स्किप कर दिया था बिकॉज इसका अलग मेक ओवर मुझे करना था बट मैंने किया नहीं. फॉर दैट आई एम गोना कीप इट वाइट, सिंपल वाइट पेंट करने वाली हूँ बिकॉज आई लव my walls to be white. And white के साथ कोई भी you know color आप add कर सकते हो. room थोड़ा सा बड़ा लगता है white color आप करते हो, ज़्यादा bright लगता है. so I love white. to paint my wall I'm gonna use Berger का silk glamour luxury interior emulsion in white color. the only problem I have right now is ये जो मेरा बेड है इसको निकालना है मुझे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैवी है. मैं अकेले नहीं निकाल पाऊंगी. आई थिंक आई एम गोइंग टू आस्क माई फादर टू हेल्प मी विद दिस. सो या लेट्स.
मैंने चेंज कर लिया बिकॉज इसको निकालते निकालते मेरा हालत खराब हो गया था एंड मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी. दैट्स नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो बट आई वुड लाइक टू शेयर दिस विथ यू कि ये जब निकालते हैं तो मैंने इससे निकाला. कैन यू इमेजिन, हमने इसको पिघलाने की कोशिश की, हमने इसको इससे काटने की कोशिश की, फिर जाके ये निकला है. यहाँ से हमने इसको पिघलाने की कोशिश की एंड देन इसके हेल्प से मैंने कट करा इसको. इट्स सो डिफिकल्ट यार. ओके, आई गेट बैक टू दिस आफ्टर सम टाइम बिकॉज अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. Meet you guys after I'm done with the second coat. So guys, it is the next day and मेरा जो second coat है वो complete हो चुका है. जो मेरा mood board है वो ये colors में आता है, beige, green, white, mostly these colors and थोड़े बहुत pop of colors here and there. So वही मेरा theme रहेगा मेरे room का and boho रहेगा थोड़ा सा because I love boho room decor. ये बेड को हिलाना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. इट्स सो हैवी. नहीं हो रहा है मुझसे. आई विल बी राइट बैक. एनीवेज लेट मी शो यू दिस पार्ट. मैंने यहाँ पे शूट करा था कल, इसीलिए ये डेकोर ऐसा है. ये था नहीं, मैंने कल के शूट के लिए लगाया था. तो ये सब को मैं निकालने वाली हूँ. ये पूरा डेकोर यहाँ से निकल जाने वाला है अभी. एंड इधर का जो पार्ट है ना, ये मुझे वाइट करना था बट मम्मी को ये वाला सेक्शन उनको बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे रूम का. तो वो बोल रहे हैं मुझे कि ये मत निकालो, मतलब इसको पेंट वाइट मत करो. सो आई एम कीपिंग इट. शायद तक मैं उस पर आई थिंक ये जो पेंट है ना, इसको मैं फिर से कर लूँगी थोड़ा सा टचअप. देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने ऑर्डर करा है. मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर से ऑर्डर किया है तो वो आने के लिए टाइम लग रहा है एंड आई थिंक कल तक शायद आ जाना चाहिए. एक तो आ चुका है, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, कल बताऊँगी आप लोगों को. आई वॉज जस्ट रिमूविंग इट एंड आई रियलाइज कि ये 1 year से भी ज़्यादा हो गया है इसको एंड इसको कुछ भी नहीं हुआ है. लाइक इट इज़ इंटैक्ट लाइक दिस. आई मीन आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ 3MK टेप्स मैंने लगाए थे यहाँ पे. इसमें कोई नेल्स नहीं है एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एडहेसिव दैट हैज इन 3M टेप्स. बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय इट, नो डाउट इन दैट. बहुत ही आराम से निकल रहा है ये. ऑल्सो देर इज नो मार्क. मैंने एक साल से भी ज्यादा यूज करा है, ऐसे ही है ये एंड देर इज नो मार्क आफ्टर रिमूविंग व्हाटसोएवर. आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद 3M के ऐसे जो टेप्स होते हैं. Remember, I painted all of them in my makeover video. If you haven't watched it, go ahead and give it a watch. मैं इसको clean कर लूँगी and रख दूँगी. अभी मेरे दो walls हैं वो पूरा clear हैं. They are like blank
कैनवस, उसमें कुछ भी कर सकती हूँ. आई विल सी यू गाइस टुमारो व्हेन आई डू द डेकोरेशन ऑफ दिस रूम. मीटिंग यू गाइज आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. अभी शायद तक 1 वीक तो हो ही गया होगा. तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस वाले साइड में, इसको मैं डेकोरेट करने वाली हूँ, ये वाला कॉर्नर को. एंड इसके लिए मुझे थोड़े बहुत प्लांट्स की जरूरत होंगी. 2 पाम ट्रीज मैं ऑलरेडी नर्सरी से जाके लेके आ चुकी हूँ. एंड अभी हम थोड़े बहुत मनी प्लांट्स लगाएंगे. तो लेट्स गो एंड ब्रिंग सम प्लांट्स फॉर दिस साइड ऑफ माई रूम. मम्मी के पास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हमने ग्लास में छोटे छोटे लगाए हैं. मम्मी के पास बहुत सारे मनी प्लांट्स एंड स्पाइडर प्लांट्स सब कुछ है. तो अभी हम इसमें कोकोपीट डालेंगे एंड ट्रांसफर करेंगे ये वाले छोटे छोटे प्लांटर्स में. सिर्फ पानी में देखो कितने सारे रूट्स डेवलप हो गए हैं यहाँ पे भी. इवन वाओ, ऐसे भी बहुत सुंदर लगता है. बट आई वॉन्टेड टू ट्रांसफर इट हियर. प्लांट का कटिंग्स में ही हो जाएगा. ये है स्पाइडर प्लांट्स. तो यहाँ पे सारा मिक्स करके ऑलरेडी रखा हुआ है. दिस इज कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कॉम्पोस्ट, वो सब मम्मा हमेशा ऐसे रखती हैं. तो इसके अंदर हम अभी डालेंगे ये सब. बहुत लाइट वेट होगा. जो है ना यहाँ पे मैं 2 ऐसे अवार्ड्स टाइप का रखना चाहती हूँ. एक मेरे ऑफिस से मुझे मिला था, बहुत लाइक 2018 का है ये. बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम का मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया था तो मुझे ये मिला था. एंड फ्यूचर में अगर लेट्स सी यूट्यूब का कुछ मिलेगा तब भी मैं इस तरफ ही रखूँगी. तो पहले मैं इसको यहाँ प्लेस कर लेती हूँ. नेक्स्ट वी हैव दीज प्लांटर्स जो मैं यहाँ पे लगाना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्यूट सा लुक आएगा यहाँ पे. एंड मुझे हमेशा यहाँ पे व्हाइट और ग्रीन से ही कुछ करना था. ज्यादा कलर करूंगी बिकॉज ये वुडन है. मुझे कलर थीम बहुत ही ध्यान से चूज करना पड़ता है. मेरे पास ये 3 वॉल हैंगिंग एक्चुअली है. ये इसके पीछे डबल टेप है. लाइक ये वॉल पे अगर लगाऊंगी मैं तो डबल टेप में ये निकल जाएगा पेंट, तो इसीलिए खराब हो जाएगा वॉल. तो मैं इसको इसमें यूज कर रही हूँ. मेरा एक अमेजोन का हॉल है, आप चेक कर सकते हो अगर आपने चेक नहीं किया है. आई विल लिंक इट डाउन बिलो फॉर यू गाइज. तो मैं इसको नीचे प्लेस कर रही हूँ, सबसे नीचे इस सेक्शन में, बिकॉज नीचे इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होगा. एंड अगर यहाँ से मैं कुछ शूट कर रही हूँ तो सिर्फ ऊपर का आएगा. तो आई थिंक ये सिर्फ कवर अप करने के लिए मैं यूज़ करूँगी. 2 यूज़ करूँगी, प्लेस करने वाली हूँ, इसको चिपकाऊंगी नहीं मैं. आई थिंक दिस पार्ट इज डन. एंड अभी ये कॉर्नर पे चलते हैं, कॉर्नर का काम करते हैं. तो फॉर द नेक्स्ट सेक्शन मैं थोड़ी बहुत बुक्स प्लेस कर रही हूँ एंड दिस कैमरा जो कि बहुत ज्यादा पुराना है. दिस इज मे बी आवर फर्स्ट डिजिटल कैमरा और समथिंग. नो, नॉट द फर्स्ट वन बट सेकेंड वन आई गेस. तो ये यूज करूंगी मैं. फॉर द नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे मैं इसको यूज कर रही हूँ. यहाँ पे मैं कुछ फ्लावर्स ले आती हूँ कट करके ऊपर से टेरेस से. एंड आई कैच यू गाइस सून. सो दीज आर जारबेरा फ्लावर्स एंड बहुत सारे खिले हुए हैं. तो मैं सोच रही हूँ नीचे के लिए मैं ये येल्लो पिक करूँ बिकॉज ये फ्रेश लग रहे हैं. बट इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि मुझे कट करने का इनको मन ही नहीं कर रहा. वेरी प्रिटी फ्लावर्स, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. लुक सो प्रिटी. एंड मेरे पास ये कैंडल है एंड ये प्लांटर. ऊपर वाला सेक्शन एक बाकी है, उसमें मैं ये डालने वाली हूँ. ये बहुत सालों से मेरे पास है एंड ये वाला बचा हुआ था. मैंने सोचा इसको कवर अप करने के लिए यूज आ जाएगा. आई हैव दिस ब्यूटिफुल प्रेयर फ्लैग्स जो कि मैंने सिक्किम से लाया था. 2 साल तो हो गए होंगे मैंने इसको यूज नहीं करा है. सो आई थॉट कि मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूँ. काफी कलरफुल लगे. तो गाइस
गाइज मैं अभी इस साइड का मेकओवर करने वाली हूँ. मैं पहले ये वाला जो पेंट है इसको रीपेंट करूंगी बिकॉज मेरी मम्मी को ये बहुत अच्छा लगता है एज आई मेंशन प्रीवियसली. तो मैं इसको व्हाइट पेंट नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव पेंटेड इट व्हाइट. ये मैंने पहले DIY बहुत दिनों से करा हुआ था, आई थिंक 2 साल तो हो गए होंगे. तो अभी मैं इसको रीपेंट करूंगी. इसके ऊपर ही वाला मेकओवर वीडियो अगर देखना है आई विल लिंक इट डाउन बिलो फॉर यू गाइस. सारे मेकओवर्स का वीडियो मैं नीचे डाल दूंगी. तो ये मैंने बनाया था, इसको भी मैं चेंज कर Wow. मैंने पूरा फिक्स कर दिया. आई एम सो हैप्पी विद हाउ इट हैज टर्न्ड आउट. रियली लव दिस आइडिया. आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड. वाओ. दिस इज अ प्लांटर दैट आई बॉट. मैंने एक हॉल वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, Amazon होम डेकोर हॉल. ये जो है थोड़ा सा बड़ा था साइज में, तो मैंने सोचा मैं पेन स्टैंड बना लेती हूँ इसका. नेक्स्ट जो मैं लगाने वाली हूँ वो है ये. इसको मुझे यहाँ लगाना है. ज्यादा नहीं हो रहा. इसको मैं पहले देखती हूँ यहाँ पे ठीक लगेगा कि नहीं, उसके बाद लगाऊंगी. तो ये साइड का सारा काम अभी ऑलमोस्ट खत्म है. बस इस कर्टन को मुझे चेंज करना है एंड पूरा लुक जो है रूम का वो चेंज हो जाएगा इस वाले कर्टन के हेल्प से. ये एक रफल कर्टन है, बट कैन यू सी ये कितना, आई मीन मुझे आयरन करना पड़ेगा इसको बिकॉज ये बहुत गंदा लगेगा सिर्फ मैं अगर ऐसे टांग दूंगी इसको. आयरन आई डोंट नो कैसे करूँ, इतना सारा कपड़ा है और एक भी है, बहुत ज़्यादा आयरन करना पड़ेगा मुझे अभी. आई थिंक बेड पे बिछा दूंगी एंड आयरन कर लेती हूँ फटाक से तो नहीं होगा, बहुत टाइम लगने वाला है. लेट्स सी.
अरेंज कर लिया है और एक दिन मुझे फाइनल लगने ही वाला है बिकॉज जो मैंने मेन चीज है वो ऑर्डर किया था, आई थिंक 10 तारीख को ऑर्डर किया था, एक डिलीवर हो चुका है, एक आना बाकी है, तो उसी का मैं वेट कर रही हूँ एंड वॉल पूरा उस पर डिपेंडेंट होगा। आई विल शेयर विथ यू अबाउट दैट लेटर, कल या परसों जब वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आई विल टॉक अबाउट इट। आई डोंट नो, आई हैव लॉस्ट काउंट कि आज कौन सा नंबर ऑफ डेज मैंने स्पेंड कर दिया है मेरे रूम ट्रांसफॉर्मेशन में, बट लुक एट दिस, मैंने अपना बेडशीट जो है वो चेंज कर दिया है, ये चेयर कवर भी मैंने चेंज कर दिया है, अभी लुक जो है कम्प्लीट आ रहा है एंड आई एम गोना सी यू टुमारो या फिर जब डिलीवर होगा वो प्रोडक्ट्स, आई एम गोना कैच यू देन। तो गाइज, इट इज 1st of February एंड आज फाइनली मेरा जो पार्सल है वो रिसीव हुआ है। कुछ ऐसे ये पार्सल आया था एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन दिस राइट नाउ बिकॉज ये दो चीजें, एक तो आ गया था पहले से ही, डिलीवर हो गया था, इसके लिए पूरा काम मेरा पेंडिंग था, ये वीडियो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था बट ये सिर्फ इसी के लिए इतना लेट हुआ है बिकॉज आई हैव टू फिगर आउट हाउ टू प्लेस इट एंड उसके नीचे और एक चीज डलेगा तो वो सब मुझे क्लियर आउट करना है। पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। फाइनली दिस इज द वॉल हैंगिंग मैंने ऑर्डर किया था, ये सेकेंड है और ये यहाँ पे है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। It looks so boho and this is how I imagined it to be. All right, the only issue that I have right now is to place this. मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे इसको प्लेस करूंगी यहाँ पे, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है एंड अगर इसके नीचे जाऊँ तो बहुत नीचे हो जाएगा। आई एम जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं इसको कहाँ लगाऊँ, अभी इस तरफ भी पूरा फुल हो जाएगा, यहाँ भी पूरा फुल ही हो गया है। लेट्स सी मैं इसका क्या करती हूँ, आई कैच यू गाइज आफ्टर सम टाइम व्हेन आई हैव सम प्लान्स इसका। और नीचे का भी मुझे फिक्स करना है, एक कॉर्नर बनाना है मुझे, वो भी मैं बनाऊंगी। अभी मैं इसको लगाऊंगी वहां पे। आई हैड जस्ट मैंने ये वाला सेक्शन जो है एक बार मेकओवर में दिखाया था, मैंने यहाँ पे एक गद्दा डाला था एंड बहुत सारा मेकओवर किया था। देयर इज अ वीडियो ऑन माय चैनल रिलेटेड टू दैट, आई विल लिंक इट डाउन बिलो फॉर यू गाइस। एक्चुअली मैं एक काम करूंगी, मैं सारे जो भी मेकओवर वीडियोस हैं वो नीचे डाल दूंगी ताकि यू कैन गिव इट अ वॉच एंड आप देख सकते हो मेरा रूम पहले कैसे था एंड धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है। तो अभी जो यहाँ पे सिचुएशन है, मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, इस जगह को पूरा ब्लैंक है अभी। मेरे पास ये प्लांटर है एंड यहाँ पे मैं पाम ट्री रखूंगी एंड ये वाला कॉर्नर में रखूंगी, उसके साइड में मैं यहाँ पे एक अच्छा सा यू नो सीटिंग एरिया बनाऊंगी ताकि मैं यहाँ पे अगर वीडियो भी शूट कर पाऊँ तो अच्छे से वीडियो शूट कर पाऊँ। नीचे मुझे एक स्पेस मिल जाएगा, बुक रीड कर सकती हूँ वहाँ पे कॉर्नर में, कैंडल लगा के बहुत मजा आएगा। तो या वो सब करने का प्लान है, वो करती हूँ अभी मैं।
में ऐसा भी लगाया है मनी प्लांट्स, ये मैंने अमेजोन से लिया था। यहाँ पे भी मैंने मनी प्लांट्स लगाया है, इस तरफ भी मैंने ऐसे मनी प्लांट्स लगाया है ऊपर। A lot of time, I think last year से मैं plan कर रही थी and I think I'm just in love with my room right now and the energy you can see, it has completely changed my mind. Okay guys, thank you so much for watching this video. I really hope you enjoyed watching it and if you did, do not forget to give it a like, comment down below your thoughts about my room transformation and share it with your friends and family. I'm gonna see you soon in my next video. Till then, bye.